कोरोना महामारी से बचाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाकर ग्रामीणों को कोरोना टीका लगाने के लिए अपील कर रहे हैं। टेरागाज प्रखंड विकास पदाधिकारी गन्नौर पासवान, टेरागाज चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार लगातार क्षेत्र का दौरा कर अलग अलग पंचायत में ग्रामीणों से मुलाकात कर ग्रामीणों को कोरोना टीका लगाने के लिए अपील किया जा रहा है। बताते चले कि अभी ग्रामीण क्षेत्र में डोर टू डोर घर घर जाकर ग्रामीणों को कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वही स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा घर घर जाकर कोरोना का टीका लगा रहे हैं। इसी क्रम टेरागाज प्रखंड विकास पदाधिकारी गन्नौर पासवान, टेरागाज चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार, तुषार मजुमदार, डॉक्टर आलोक कुमार दास इत्यादि स्वास्थ्य कर्मियों ने टेरागाज प्रखंड के अलग अलग पंचायत में डोर टू डोर जाकर ग्रामीणों को कोरोना का टीका लगाने के लिए अपील कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 100% कोरोना टीकाकरण सफल बनाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग के टीम द्वारा घर घर जाकर ग्रामीणों को कोरोना का टीका लगा रहे हैं और कोरोना महामारी से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। कोरोना रथ एक्सप्रेस के माध्यम से डोर टू डोर जाकर मैकिंग के जरिए ग्रामीणों को कोरोना टीका लगाने के लिए अपील किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के टीम द्वारा प्रखंड के 12 पंचायत के अलग अलग गाँव में टीम बनाकर ग्रामीणों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। इसी क्रम टेरागाज प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग पंचायत में 442 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना महामारी से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग के टीम एवं प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के टीम द्वारा प्रखंड के अलग अलग पंचायत में अलग अलग टीम बनाकर घर घर जाकर ग्रामीणों को कोरोना का टीका लगा रहे हैं। टेरागाज प्रखंड क्षेत्र के हाड़गांव पंचायत के गोरियाधार में पुल नहीं बनने से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। खबर सुनते ही जिला परिषद प्रतिनिधि अकमल समती ने हाड़गांव पंचायत के गोरिया चचरी पुल का जायजा लिया। बताते चले कि गोरिया नदी के दोनों तरफ प्रधानमंत्री सड़क बनकर तैयार है, लेकिन पुल नहीं रहने की वजह से सड़क बेकार पड़ा हुआ है, जिसकी शिकायत पर जिला परिषद प्रतिनिधि अकमल समती ने हाड़गांव पंचायत के गोरिया नदी का जायजा लिया। वहीं लोगों को आश्वासन दिया कि इस संबंधित में सांसद एवं विधायक से मिलकर समस्या समाधान करने की प्रयास किया जाएगा। बताते चले कि इस रास्ते से 4 से 5 पंचायत के लोग प्रखंड मुख्यालय जिला मुख्यालय चचरी पुल पार कर आना जाना करते हैं, लेकिन पुल नहीं रहने की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहादुरगंज प्रखंड क्षेत्र के निशंदरा पंचायत में कनकई नदी में पुल नहीं रहने की वजह से आज भी लोगों को चचरी पुल बनाकर आगमन करना पड़ता है। ज्ञात हो कि निशंदरा पंचायत ब्लॉक के नदी के इस पार रहने की वजह से लोगों को प्रखंड मुख्यालय हाट बाजार जिला मुख्यालय जाने के लिए बरसात के समय में नाव का सवार होना पड़ता है। बरसात खत्म होते ही लोग चचरी पुल बनाकर प्रखंड मुख्यालय आना जाना करते हैं।